हे गाइस, कैसे आप सब? नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे डांस कंपटीशन और उम्मीद करते हैं इस बार यार ड्यूट में आए, मतलब कि दो बंदे आए। हाँ यार, वो काफी टाइम हो गए देखे हुए। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले दोनों चैनल सब्सक्राइब कर ले। सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं, 3-2-1 एंड गो। चलो भाई, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आज का डांस कॉम्पिटिशन। पूरे 3 पॉइंट से देखते हैं आज 3 पॉइंट कौन सी टीम जीतेगी। सबसे पहले आएंगे टीम यूट्यूबर्स, कौन आएगा यूट्यूबर्स में से? लारेब आएगा। फिर है इंस्टाग्रामर्स, कौन आएगा इंस्टाग्रामर्स में से? सिमरन आएगा। फिर है चैंपियंस, कौन आएगा चैंपियंस से? मीर जंगी आएगा। और उसके बाद है टिकटॉकर्स, हुसैन जैसी आएगा। अच्छा भाई, याद रखिएगा कि हमने डिसाइड अब ये करना है कि कोई एक टीम ही 3 पॉइंट जीतेगी और कोई एक टीम ही 1 पॉइंट जीतेगी। सही है? अच्छा। चलो भाई, जो बेस्ट होगा वही यहाँ से 3 पॉइंट जीत के जाएगा। रेडी गो ऑलवेज। ये है भाई गाने, डांस वाला सॉन्ग। ये अच्छा था। हाँ, गाना भी अच्छा है ना भाई, वो सारे नहीं लगे। बहुत आला यार, बहुत भाई। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कौन था? इमरान आ गए। रेडी इमरान, जल्दी आ जाओ, मुकाबला बड़ा सख्त है 3 पॉइंट के लिए। रेडी गो। तुझे सपनों में, सपनों में, सपनों में, बहुत वाला यार। भाई नेक्स्ट कौन है? आ गया, रुकते नहीं उनको आता ना डांस, रुकते नहीं। कम ऑन, रेडी गो। तुझे सपनों में, सपनों में, सपनों में, चलो इन्होंने भी इम्प्रूव करा अपने आप को। पिछला सीजन से देखा जाए तो बहुत इम्प्रूव करा है। कुछ तगड़ा कमेंट जरूर आएगा था इस डांस को करने, लेकिन बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। वैसे एक बात तुमने नोटिस करा है, एक ही जगह पे डांस कर रहे हैं। भाई रफी को बड़ा पसंद आया। वेरी नाइस जंगी आ गई है, जय जी की। देखते हैं ये यार, तुम क्या हो गया भाई, यहीं से स्टार्ट करना है। तुम आराम से लेट जाओ पहले। अरे चलो ना, रेडी लेट जाओ, मैं तो रेडी को करूंगा यार। सोने दो, बच्चा सो रहा है। रेडी गो। मजे ले, तुझे सपनों में, सपनों में, सपनों में, सपनों में, सपनों में, सपनों में, सपनों में रोज सताए, दुपट्टा मेरा मल मस्ता, Okay.
फेस दिख रहा है जैसे भाई का फेस। वाओ यार क्लासिक फीलिंग भी दे रहे हैं मॉडल के साथ साथ। कमाल का इनका बहुत बढ़िया भाई एक्सप्रेशन कमाल का है। बताइए कि सबसे एंटरटेनिंग सबसे बेहतर परफॉर्मेंस इन चारों टीम्स में से किसकी थी? ओवर टू यू। आज मैं लिस्ट से अगर शुरू करूं तो जंगी ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की थी यार, लेकिन हमारी तरफ से अच्छी नहीं थी। लारेब के हिसाब से वो थोड़ी कम थी, उससे अच्छा लारेब ने आज फिनिश किया। और उसके बाद अगर नंबर आता है तो फिर जैजी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया आज। और फिर मेरे ख्याल से हम लोगों को जो बेहतर लगा सबसे ज्यादा वो इमरान की डेफिनेटली परफॉर्मेंस जो थी वो मुझे भी ऐसे ही लगा था। लेकिन एक चीज थी कि जैजी के स्टेप्स आज काफी डिफरेंट थे, इमरान के भी थे, लेकिन इमरान बीच में कई बार जो था वो एक स्टेप रिपीट कर रहा था गोल घूमने वाला। हर डांस के हर मूव के बाद वो एक दफा जो गोल घूमते हैं वो कर रहा था, फिर जो उसके स्टंट्स थे वो वही वाले स्टंट्स कर रहा था। जैजी ने जो आज यहाँ पे किया था, जो हमने आज फर्स्ट टाइम देखा था जैजी को, हेड रोल भी मेरे ख्याल से जैजी ने आज फर्स्ट टाइम किया था हमारे सामने, हमने नहीं देखा। पहले भी कर चुका और फिशिंग जो है ये पहले भी कर चुका है लास्ट टाइम, मतलब कि मैंने देखा है सर। गायब हो गई थी जो हमें नजर नहीं आई। नहीं नहीं सर, मैंने मैंने मैं नोट भाई जो ये फिश बना था ऐसे ही या आप लोगों ने कभी देखी? हाँ। जैजी ने जो किया, जैजी ने नहीं किया, जीता भी था जैजी मुझसे। अच्छा उसने जब किया था, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे शायद याद नहीं। एक पांव वाली होती है, एक पर वाली होती है। अच्छा मैं बात करो जो शार्क होती है बड़ी वाली, उसका क्या स्टेप, वो क्या करती है? एक छोटी होती है सर, एक पैरों वाली होती है, वो कह रहे हैं। और कौन कौन सी होती है? मैंने आज से पहले नहीं किया। अच्छा मछली अगर जा रही हूँ और पीछे से अगर मगरमच्छ आ जाए दबोच लेंगे, उसका भी कोई स्टेप है मगरमच्छ का? वो सर नहीं पता। नहीं पता, चलो मैं सिखाऊंगा तुमको। तुमने कभी परफॉर्म किया है यहाँ पे? सर नहीं, ये वाला नहीं किया है, ये वाला ये इसके बल था, ये डिफरेंट है सर। अच्छा मुझे जो मैंने उसको देखा, मैंने सहारे वाली फिश थी मेरे ख्याल से, सहारे वाली फिश थी, माजूर थी ये, कांटे वाली फिश दूर रहना। अच्छा इमरान के स्टेप्स भी बहुत अच्छे थे, इसके स्टेप्स भी बहुत अच्छे थे। इमरान सिर्फ एक चीज ये थी कि तुम आज जाके देखना, तुम बार बार जो एक राउंड वाला स्टेप कर रहे थे शायद तुम याद कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा था। और वो तुम कई बार करते हो, फिर तुम्हारा एक स्टंट है जो तुम हाथ रख के करते हो, वो तुम हर अपनी परफॉर्मेंस में रिपीट करते हो, जब भी आते हो तुम वो जरूर करते हो। एक चीज उसको ना करो, एक कोई नया स्टंट लेकर आओ जो मैंने तुम्हारा देखा ना हो, तुम्हारे हाथ तकरीबन 60% स्टेप्स नए थे, मैंने भी तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा वो स्टेप्स करते हुए। लेकिन जैजी के जो स्टेप्स थे वो बहुत डिफरेंट थे, इसलिए मेरे हिसाब से 3 points का हकदार है टिकटॉकर्स, 1 point जाएगा इंस्टाग्राम का। ओ ओ भाई साहब भाई, तो लास्ट में थोड़ा सा टोंड करते हुए उन्होंने दोबारा स्टेप दिखाया। भाई मैं इसकी कह रहा था, हाँ भाई देख मैं इसकी कह रहा था, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ था। हाँ भाई साहब, लेकिन सच में जैजू को मैं ये स्टेप करते हुए नहीं देखा, मतलब ये स्टेप देखा मैंने गेम शो में, लेकिन मतलब जैजू करते हुए नहीं देखा मैंने। लेकिन अगर मैं अपनी बात बताऊँ, मुझे सबसे अच्छा डांस मुझे यार लारिफ का लगा है, मजा आ गया देख के, फुली एनर्जेटिक लारिफ का डांस और गजब का लगा मुझे। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण भाई, जो भी मतलब मुझे आज अच्छा जो जो मुझे पसंद आया, लारिफ का डांस मुझे बहुत पसंद आया। वो हमारे जैसे डांस करते हैं ना, हाँ जैसे, आई मीन हम, सॉरी सॉरी गलत वर्ड इस्तेमाल करा मैंने, हम उनके जैसे डांस करते हैं ना, मतलब कि वो नॉर्मल नॉर्मल वगैरह, तो इसलिए मुझे उनका डांस बहुत अच्छा। जैसे नॉर्मल उन्होंने भी करा था क्लिप, मान लेने मेरी बात, क्रिप अगर रिवाइंड करके तू देखेगा ना, तो नॉर्मल उन्होंने भी नहीं करा, तो उन्होंने अच्छे स्टेप करते, लेकिन क्योंकि यार ये सब डांसर है ना, इमरान और जैसी वगैरह थोड़ा डांसिंग वांसिंग जानते हैं, इनका समझ सकते हैं टक्कर तो इनके बीच में होनी ही होनी है। अब जैसे ये इस टाइप के लिए वो इनसे भिड़ गए, इन्होंने तो कर रखा है यार। यार वही कह रहा, ड्यूट क्यों नहीं आ रहा यार, ड्यूट में ज्यादा मजा आता है। और यार वो जो नए नए प्लेयर आए थे सारे गायब हो गए यार। हाँ वो यार वो जो अनस भाई साहब तबाही मचा दी थी जिस दिन आए थे, पहला डांस इतने तगड़े स्टंट करके दिखाए थे कि सोच, मतलब जैजी भाई भी नहीं कर पाए थे, जैजी नहीं पाएगा ये
सच में ये तो तगड़े स्टैंड करे थे। सो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वैसे यार सच्ची बताऊं तो कम से कम ना डुएट मेरे हिसाब से लाना चाहिए था यार डुएट, क्योंकि यार डुएट में ज्यादा मजा आता है और पता नहीं क्यों सिग्नल करवाते हैं। खैर देखते हैं आज की वीडियो में कितने व्यूज आते हैं। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।